हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो हो गाइस ऑल आर गुड। एंड अभी जस्ट मैं ड्यूटी से निकला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल्ली में हूँ, सो अभी मैं ड्यूटी से घर जा रहा रूम जा रहा हूँ। और अभी दिखाएंगे रास्ते में हूँ। अभी सुबह का लगभग बज रहा है 7 बजे जा रहे हैं। कोई बस गए थे तो हम कैसे जाकर यहाँ से 1 किलोमीटर करता है मेरा रूम। फिर मैं पहुँच कर आपको दिखाएंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय है और सभी अपने अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं और मैं भी अभी ड्यूटी नाइट करके अपना रूम जा रहा हूँ। तो गाइस सबको बताएंगे आगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, आपको दिखाते रहेंगे कि कैसा कैसा हमने का रास्ता से हम लोग जाते हैं। इधर गाड़ी का रोड है और मैं रोड साइड के पास एक तरफ हूँ, क्योंकि अगर उधर जाएंगे तो गाड़ी बहुत स्पीड चलता है। तो गाइस आपको हमारे साथ बने रहे वीडियो पे कंटिन्यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ बहुत सारे कंपनी हैं, अगर आप चाहते तो काम कर सकते हो। और मैं आपको अभी दिखाएंगे काफ़ी सारा वीडियो। तो गाइस ये देखिए गाड़ी चल रहा है, सुबह का लगभग 7 बज रहा है और मैं अपना ड्यूटी से निकल चुका हूँ रूम के लिए। एंड आई होप यू ऑल आर गुड। सो जस्ट कंटिन्यू माई ब्लॉग एंड आगे आपको दिखाएंगे कि हम कितने देर तक चलेंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ये वीडियो लगभग आपका बनेगा 4 मिनट तक बनेगा। आपको कंटिन्यू हम दिखाएंगे रास्ते में कि कितना दूर आपको जाना पड़ता है। एड्रेस लेकर मेरे कंपनी पर मेरा रूम है, कंसूम आपके पास, और हम आपको यही सब बताएंगे कि ये सब गाड़ी है सब और अपने अपने लोडिंग के लिए आए हुए हैं। ये लगभग शाम के 7 बजे से ही थे यहाँ से, पता नहीं अभी इसके सारी लोग अभी तक से सुबह वही गाड़ी देख रहा हूँ। तो कुछ कुछ गाड़ी नहीं है, तो शायद कुछ कुछ गाड़ी चला गया है। और इस तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और आगे आपको हम और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाएंगे और भी अच्छा अच्छा जगह दिखाएंगे कि हम लोग कैसे काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं। और हम लोग नाइट ड्यूटी, हम मेरा कंटिन्यू मेरा नाइट ड्यूटी है तो मैं जरूर जाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था अगले महीने से कि मेरा ड्यूटी टाइमिंग शिफ्ट सही करूँगा। तो फिलहाल अभी मैं बात नहीं किया, तो अभी न्यू ज्वाइनिंग हो रहा है, तो न्यू ज्वाइनिंग के बाद ही हम अपना ड्यूटी का टाइमिंग चेंज करेंगे। क्योंकि अभी टाइमिंग चेंज नहीं हुआ क्योंकि लड़का कम है, नाइट में भी लड़का कम है, क्योंकि डे में तो लड़कियों का काम होता है, तो डे में हम लोग को उतना जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे आपको मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो फिलहाल वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब लाइक सेंड करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको गोवा का नया नया नज़ारा हम दिखाते रहेंगे और डे बाई डे अपडेट देते रहेंगे कब किस चीज़ का नौकरी निकल रहा है, कब किस चीज़ का वैकेंसी निकल रहा है। अगर आप चाहते हो आने के लिए गोवा से काम करने के लिए, आपको यहाँ पर काम मिल जाएगा बड़ी आसानी से, रूम भी मिलेगा बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से आप यहाँ रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये है एक ट्रैफिक टर्निंग। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके 2 ईयर लीव करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा घट चुका है, तो शायद थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि पहले जितना मैं बोलता था अभी उतना बोलना थोड़ा अभी शायद फील करता हूँ। जैसे कि अभी मेरे सामने कोई लोग आदमी आ जाता है, थोड़ा नर्वसनेस फील होता है कि वे लोग क्या सोचेंगे, क्या मेरे बारे में बोलेंगे। तो उसी के लिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है मेरा। तो आपको गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रहा पास आ रहा है, इस बात से आप मडगांव टाइटे पास को कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, लगभग मेरा रूम पहुंचने के लिए मुझे टाइम लगेगा आधा घंटा, हाफ एन आवर टाइम लगेगा, और हाफ एन आवर में हम पहुँच जाएँगे। और थोड़ा नींद नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा आदत बन चुका है ना, तो इसीलिए हम 3 घंटा सोने के बाद भी अपना नींद पूरा कर लेते हैं। तो आज फिलहाल मेरा उतना नींद पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था। तो आप अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डे में जरूर सोया कीजिए, लगभग विदिन 5 आवर वी हैव टू स्लीप, ओके। नहीं तो आप कंपनी में काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 12 घंटा काम मिलता है, 8 घंटे कम मिलता है, लेकिन आपको 8 घंटे का सैलरी भी अभी कम मिलेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप हो सके 12 घंटा काम करें, आपको कैजुअल में भी नौकरी मिलेगा, आप
आ सकते हो। तो फिलहाल मॉर्निंग का समय है और सभी अपने अपने काम पे जा रहे हैं और मैं भी अपना रूम पे जा रहा हूँ। रूम पहुँचते ही आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। और अभी फ़िलहाल वीडियो में कंटिन्यू बने रहे तो आपको हम बताते जाएंगे आगे का ब्लॉग्स कैसा रहेगा, हम लोग कैसे रहते हैं एक साथ मिलजुल कर, क्योंकि यहाँ हमारे गांव के सभी सभी जो गांव का लड़का है सब वहीं पर रहते हैं एक ही जगह में। हम लोग और उसमें रूम अलग अलग है, उसी में हम लोग रहते हैं साथ में दोनों। और हम लोग लगभग 5 मेंबर रहते हैं। अगर आपको आना है, आप अगर काम पे आना चाहते हो तो आप काम पे आ सकते हो बेहिचक। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि रूम कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको रूम खोजना पड़ेगा। अगर अपना रूम लेगा तो इससे आपका फ़ायदा रहेगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रूम मिलेगा तो आपको थोड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप पैसा कमाने के बाद आपका पैसा कटेगा तो सेकेंड रनिंग में आपको कुछ उतना बचेगा नहीं। अगर अपना रूम रखेगा तो आपको उसमें बेटर रहेगा, क्योंकि जितना भी दोगे वो आपके हिसाब से दोगे। अब उसमें रूम मालिक कितना खर्च करेगा कितना नहीं वो तो आपको मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रूम मत लीजिए, लीजिए वो एक महीना के लिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। और तो गाइस सब लोग देख सकते हैं, जैसे कि सभी अपने अपने रूम जा रहे हैं। जो नाइट करके काम कर रहा है वो अपना रूम जा रहा है, और जो अपना टाइमिंग है 7 बजे का टाइमिंग वो अपना ड्यूटी जा रहा है। तो अभी सुबह हो चुका है और देख सकते हैं इधर अभी थोड़ा बाहर मौसम थोड़ा ख़राब है, तो मौसम ख़राब होने के कारण ही। तो हेलो गाइस, यही है वो जगह जहाँ वो टाइटन कहते हैं, जो आपको दिख रहा है ऊपर में क्लॉक, तो उसी को टाइटन कहते हैं। अगर यहाँ आएंगे यहीं पर आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्टर के पैसे आपको कहीं भी काम पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आना है अपना डॉक्यूमेंट लेके, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपका आधार आईडी प्रूफ भी चलेगा इधर, ठीक है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट का डिमांड नहीं है। अगर गर्ल्स हो या बॉय हो कोई भी काम करना चाहता है तो काम आराम से मिल जाएगा। ये जो क्लॉक दिख रहा है यहीं पर आना है। अगर आप कहीं भी भविष्य में गोवा आना चाहते हैं तो आप निश्चिंत बेफिक्र आइए। तो जा रहा है गाड़ी को पार्क होने देते हैं तभी हम निकलेंगे। हम देख सकते बस को भी देख कंपनी जा रहा है। जब सिग्नल नहीं रहता है बंद रहता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि गाड़ी कभी भी पार हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं कंसुआ के जंगल में। तो यही है कंसुआ का जंगल, यही जंगल फेमस से। अभी जो दिख रहा है हरियाली घास, ये पानी होने के बाद ही हुआ है, नहीं तो पहले ये पूरा सूखा एकदम जमीन था। इतना अगले 2 महीने बाद ही भी पूरा सूख जाएगा जमीन, क्योंकि यहाँ धूप जब देता है तो बहुत ज़्यादा देता है, और पानी जब गिरता है तो कंटिन्यू 3 महीना गिरेगा। तो यही वो डाउन है जो हर किसी को चढ़ने में मुश्किल होता है। आप लोग देख सकते काफ़ी सारा डाउन है। तेरा पटना किधर गया? पटना गया ना गाँव छोड़ छाड़ के गया। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि इसमें हर कोई, मैं भी यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आए थे तो डाउन में चढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमको बहुत थकान फील हो रहा था। लेकिन अभी आदत पड़ गया चढ़ चढ़ के, तो हम चढ़ लेते आसानी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डाउन है। लाइक आप मान सकते हो एक हिल जो होता है कि उससे भी सेम यही डाउन है। ये भी ये रोड बन चुका है, इसमें गाड़ी भी आसानी से पार हो जाता है, गाड़ी भी चढ़ जाता है, कोई ये नहीं है।